यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को लेके आई हूँ डुमस बीच पे, जो कि सूरत में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो दिल्ली में थी, लास्ट वीडियो मेरी दिल्ली के सरोजनी नगर की थी, और इतने दिनों के गैप के बाद आज मेरी वीडियो आ रही है, और वो भी सूरत की। एक्चुअली मार्च में होली पर मैं मेरे पेरेंट्स के यहाँ गई थी सूरत, जो कि गुजरात में है। और जैसे कि शादी के पहले का मेरा पूरा टाइम सूरत में ही बीता था, तो सारी जो भी वहाँ की प्लेसेस है, सब मेमोरीज़, ऐसा लग रहा था कि हर जगह मैं घूम लूँ, सब कुछ एक्सप्लोर कर लूँ। बट बिकॉज ऑफ द पैंडमिक सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि पूरा सूरत एक्सप्लोर किया जाए, और मेरा मन तो था कि पूरा सूरत एक्सप्लोर करूँ और वहाँ की हर एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ। बट हम लोग सिर्फ होली के एक दो दिन बाद 2 या 3 अप्रैल को डुमस बीच गए थे। वहाँ का एक ही वीडियो ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँगी। तो फिर डुमस जो है सूरत का एक बीच है। सूरत के लोगों में, जो सूरतीज लोग हैं वो भी, और जो बाहर से भी लोग आते हैं, उन लोगों में काफ़ी पॉपुलर और फेवरेट डेस्टिनेशन होता है सबका। अभी जो सिचुएशन थी उसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, 2-4 लोग ही थे। नहीं तो नॉर्मल डेज़ में अच्छा खासा क्राउड होता है, सुबह शाम, सुबह जो है सनराइज़ देखने के लिए, शाम को सनसेट देखने के लिए लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आते हैं, और अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट है। हम लोग यहाँ आए हुए थे, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी भाभी, और मेरी सिस्टर की एक लड़की और भाभी की 2 बच्चे थे, तो तीनों सिस्टर्स थीं। आप देख पा रहे हैं बच्चे हम लोगों से ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उनको इतने महीनों के बाद बाहर निकलने को मिला था तो बहुत अच्छा लग रहा था। सूरत में मैं आपको पहले से बता दूं कि उस टाइम जब हम डुमस गए थे तो उतनी बुरी स्थिति नहीं थी कोविड की। जैसे कि मैंने बताया, होली के जस्ट बाद हम गए थे, 2-3 दिन ही गए थे, तो उसके 1 हफ्ते बाद से ही केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गया था और बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो गए थे, और लॉकडाउन वगैरह भी लग गया था। इस वजह से हम कहीं और एक्सप्लोर नहीं कर पाए, कहीं और घूम नहीं पाए। और उस दिन भी हम गए थे तो काफ़ी सेफ्टी लेके गए थे, मास्क, सैनिटाइज़र, सब कुछ लेके, और अपनी गाड़ी से गए थे, तो बच्चों को लेकर भी कोई रिस्क नहीं था और क्राउड भी नहीं था, इस वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चों ने काफ़ी खेला, एंजॉय करा। नॉर्मली तो शाम के टाइम अच्छा खासा पानी होता है डुमस बीच पर भी, आप पानी में भी घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, बट इस टाइम आप देख पा रहे हैं कि पानी नहीं है, काफ़ी पीछे पानी था। और जबकि सनसेट के टाइम गए थे, इस टाइम अच्छा खासा पानी होता है। बीच का तो मेन अट्रैक्शन ही पानी होता है, और सनसेट और सनराइज़, तो सनराइज़ तो था नहीं क्योंकि इवनिंग थी, बट सनसेट हमने एंजॉय किया। हमें पानी भी नहीं मिला, बट सनसेट बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा व्यू होता है, सुकून, एकदम रिलैक्स। अगर आप बीच पे होते और उस टाइम पे सनसेट अगर आप एंजॉय करते हो, बच्चों के ढेर सारे मज़े करने के बाद अब टाइम आ गया था वापस जाने का। बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं था वापस जाने का। ऋत्वी, जो छोटी वाली भाभी की लड़की थी, उसने तो बहुत सारा एंजॉय किया, उसका मन ही नहीं था आने का। वहाँ पे धूल, मिट्टी, रेत में घर बना रहे थे बच्चे और खूब खेल रहे थे, बट शाम हो गई थी तो अब हमें वापस आना ही था, और अब हम वापस निकल लिए थे घर जाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कभी सूरत विज़िट करना हो तो आप एक बार डुमस ज़रूर जाइएगा। इस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पानी हमें नहीं मिला, बट पानी रहता है तो काफ़ी अच्छा व्यू होता है। उसके अलावा भी
बीच है तो बीच एरिया काफ़ी ज़्यादा है, सिटिंग पॉइंट अच्छे होते हैं, खाने पीने की अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और सूरत की सबसे पॉपुलर यहाँ पे भजिया होती है जो कि डुमस बीच पे आपको मिलती है, और डुमस बीच का भजिया सूरत में काफ़ी फेमस है। अगर आप सूरत जाते हैं तो डुमस पे आप भजिया ज़रूर खाने जाएं। और उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी राइड्स होती हैं जो बीच पे अवेलेबल होती हैं। उसके बाद ये बाहर का व्यू है जहाँ पे पहले तो इतना ज़्यादा डेकोरेटेड और सारी चीज़ें डेवलप नहीं थी, लेकिन अभी मैं भी 1 साल के बाद गई थी तो मुझे भी चीज़ें काफ़ी नई नई लग रही थी और काफ़ी डेवलपमेंट्स हो गए हैं। और अच्छा लगता है देख के कि जहाँ पे आपने इतना टाइम बिताया और 1 साल 2 साल के बाद अगर आप आते हो तो चेंजेस हो जाती हैं चीज़ें, फिर आपको नया सा लगता है। तो फिर बस यही थी मेरी वीडियोस जो कि थोड़ा टाइम मैंने अपनी फैमिली और बच्चों के साथ स्पेंड किया। मेरा मन तो बहुत था कि सूरत में मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर करूं और आप लोग के साथ शेयर करूं, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। जबकि सूरत में मैं काफ़ी दिनों तक इस बार रुकी, 1.5-2 महीने तक रुकी, फिर भी सिचुएशन अच्छी नहीं हुई। बट लेट्स सी, कभी सिचुएशन अच्छी होती है तो मैं आप लोग को सूरत का एक अच्छा सा वीडियो शेयर करूंगी, और एक नहीं बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाना चाहूंगी कि सूरत कैसा है, कैसी सिटीज़ है, सूरत की साड़ियाँ कैसी होती हैं, सूरत के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ का खाना, वहाँ की साड़ियाँ। कपड़ों के मामले में सूरत काफ़ी फेमस है और अच्छी सिटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।